महानगर वासियों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है, जिसके मद्देनजर मंजा एग्जाम थालीकर के साथ डीआईजी रेंज राजेश जी मोदक, जिलाधिकारी केवजिन पांडियन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र कुमार, अपर जिलाधिकारी, एसपी ट्रैफिक तथा नगर आयुक्त एवं अन्य अधिकारियों में कचहरी क्लब मैदान, आरएफसी ऑफिस मैदान, सिटी मॉल के सामने, विस्मिल पार्क के पास तथा यातायात चौराहे पर एसपी जीआरपी ऑफिस परिसर का निरीक्षण कर पार्किंग की व्यवस्था के लिए स्थल के चयन का जायजा लिया, जिसके संबंध में मंजर एक जैन मालिकर ने कहा कि जनपद को जाम से मुक्त कराने के लिए जिस जगह जगह पार्किंग का स्थान चिन्हित कराया जा रहा है, जिससे लोगों को जाम से मुक्ति मिल सके। मंजर एक जैन मालिकर ने अब नगर आयुक्त को निर्देश किया कि 15 दिनों के भीतर चिन्हित सभी स्थलों पर पार्किंग के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, जिससे सड़क पर गाड़ी ना खड़ी हो और लोगों को जाम से मुक्ति मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, वो चीफ साहब उसको बलवत हो रहा है, इसमें सर दो काम हो जाता है, पार्किंग भी हो जाता है एंड उसका जो ठेला वाला कितने सर पूरे रात को रहते थे वो सब अंदर आ जाते, 300 ठेला आराम से लगा सकते हैं, सब्जी वाले ठेला वाले, और ये बढ़िया इंफ्रा है, जा सकते हैं क्या? काफी पुराने लाइब्रेरी भी है सर, बहुत अच्छा लाइब्रेरी, उसको भी रेनोवेशन में ले रहे हैं सर, हम ये भी हो जाए सर, एक्चुअली सर ये तीन शेप में कनेक्ट हो जाता है जंक्शन पे, सर ये जो इनका फाउंटेन था वाटर फाउंटेन मेरे सर आए उसमें तो कोई आता नहीं होगा, अभी चल नहीं रहा है, मुझे जानता गुड़गांव ना, मैडम से बात करो, पीडब्ल्यू डी सर स्टोर में भी करा दिया, आईसीयू सर, ये पूरा ठेले वाले के सब्जी वाले मार्केट था, इधर तो शेड का पूरा लाइटिंग था, पंखा था, अब ये सर ये गोदाम इनका करा करके हमने गोदाम को दूसरे जगह दे दिया हूँ, एडवांटेज क्या है सर, इधर का जो कितने डेला गुंचा सर वहाँ लगाते हैं, यहाँ इधर आ जाएंगे, एरिया के लिए तो बहुत अच्छी सर, ये दो एकड़ के ऊपर
आराम से छाया वाया भी है, करा देंगे सर, कराया हमने ये पूरा जंगल पहले बहुत सड़क वाला था यार, इतने बाजार यही चाय मार्केट है ना, इधर से रोड भी है क्या? हाँ उधर से है लेकिन बंद है। और ये मार्केट में तो बड़ी भीड़ होती है, बहुत भीड़ लगता है। आरएफसी का था, आरएफसी का बदाम था तो आरएफसी अब यूज नहीं करते, आरएफसी ने अपने सर एक्चुअली जब ये इंटेंट डबोलिश नहीं किए तो रखता हूँ कंट्रीब्यूशन भी हो जाएगा वही ताकि उन्हीं लोगों को भी जितनी दुकान का टेंडर भी निकाल देते हैं। अभी का कितने परंपरा तो शुरू कर लेते हैं, पहले यार तैयार गोरखपुर का जो नगर क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्र है, विगत 3 वर्षों में बहुत सारी गतिविधियां होने के कारण बहुत ही ज़्यादा यहां पर दिन के समय में सुबह 8 से लेकर शाम के 8 बजे तक जनसंख्या का घनत्व तो बहुत ज़्यादा रहता है। बाहर से लोग आते हैं, आर्थिक गतिविधियों के लिए आते हैं, मेडिकल चिकित्सीय सुविधाओं के लिए आते हैं, विभिन्न प्रकार की चीज़ों के लिए आते हैं। आपके पास उत्तर प्रदेश के वन ऑफ़ द बेस्ट होटल हैं, वन ऑफ़ द बेस्ट चिकित्सीय संस्थान अब यहाँ पर आ रहे हैं, ट्रेडर्स हैं, और उस वजह से ये बहुत अब ज़रूरी हो गया है कि हम 5-7-8 जगहों पर बहुत अच्छी पार्किंग विकसित करें। इसमें जिलाधिकारी महोदय और नगर आयुक्त साहब और हमारे जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, तीनों लोगों ने कुछ स्थान चिन्हित किए हैं जिसको हम और DIG साहब देख रहे हैं, और आशा करते हैं कि नेक्स्ट 15-20 दिन में, 1 महीने में हम यहाँ पर पार्किंग डेवलप कर पाएंगे। और आपके माध्यम से हम लोग लोगों को यही कहना चाहेंगे कि ये हमारा नगर है और हम सबका दायित्व है कि हम इसको स्वच्छ रखें, हम इसको साफ़ सुथरा और कंजेशन से फ्री रखें। जितना कंजेशन से फ्री होगा उतना ही कम एक्सीडेंट होगा, लोगों को सुविधा होगी, लोग कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर पाएंगे। और कंजेशन से फ्री करने के लिए ज़रूरी है कि लोग अपने आप आगे आएँ और इन पार्किंग का उपयोग करें, रादर देन हम पुलिस को लगाएं, ट्रैफिक पुलिस को लगाएं और पुलिस आके लोगों को कहे कि आए। तो लोगों को खुद आगे बढ़ के आना चाहिए क्योंकि ये नगर हम सब का है और ये हम सब का दायित्व है कि हम इसको स्वच्छ रखें। जिलाधिकारी महोदय ने वही दिखाया है और वो ये कह रहे हैं कि इसको हम पुनः फिर से विकसित करेंगे और उसमें नगर निगम इमीजिएटली अपना जो भी गोडाउन है वो शिफ्ट करके वहाँ पर लगाएगा, और ये बहुत ज़रूरी है, यही हम लोगों ने निर्धारित भी किया है।